हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बड़े होंगे, मस्त होंगे। आज हम कपकेक बनाएंगे, वह भी बिना मोल्ड के बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बनाना स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, वनीला प्रीमिक्स लिया है मैंने, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेस कर सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, मेजरमेंट के लिए आप कोई सा भी एक बर्तन सेट कर लीजिएगा। मैंने एक कटोरी ली है, ये देखिए इस तरह से, और मैंने एक कटोरी से कम लिया है, भर के नहीं ली है। और एक बर्तन में इसे डाल देंगे, और मेजरमेंट के लिए आप कोई सा भी बर्तन सेट करें। उसके बाद उसी कटोरी से देखिएगा, मैंने पानी लिया है थोड़ा सा, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। एक बार में ना डालें सारा, थोड़ा थोड़ा करके डालें। और उसके बाद देखिए, दो चम्मच हम लेंगे रिफाइंड ऑयल, उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है हमें, हमें इसे केक की तरह इसका बैटर बना लेना है। देखिए अब ये गाढ़ा लग रहा है, हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। आप स्पून की हेल्प से इसे इस तरह से फेंट लीजिएगा, और देखिए थोड़ा सा पानी और डालेंगे, और देखिए इतना पानी बच चुका है, थोड़ा ही पानी की ज़रूरत है इसमें। ये देखिए इस तरह से इसे मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा और है, थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसे मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से स्मूथ सा बैटर इसका बन चुका है, ये देखिएगा आप। ये देखिए इसी तरह से आपको इसका बैटर रख लेना है, आप देख सकते हो। थोड़ा पतला करना है पानी डाल के, ये देखिए मैंने थोड़ा पतला कर लिया पानी डाल के, और थोड़ी सी इसमें मैंने चेरी डाल दी है। ये देखिए इस तरह का रखना है। और आज हम बनाएंगे चाय के कप में, जो पेपर वाले कप होते हैं ना, मार्केट में मिलते हैं, उसमें बनाएंगे हम इस तरह से। और इस तरह से इसको छोटा शेप दे देंगे जिससे कि कपकेक का लुक आए, इसलिए ये देखिए मैंने इसको काट लिया है इस तरह से, और इसको बराबर कर लेंगे। और देखिए मैंने बाकी काट चुके हूँ, पीछे रखे हैं, और देखिए एक मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, बाकी पीछे रखे हैं। ठीक है, और इस तरह से उसके बाद एक प्लेट ले लीजिए, जो आपकी कढ़ाई या कुकर जिसमें भी आ जाए, मैं कढ़ाई में रखूँगी। और उसके बाद बटर पेपर के ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा, और जो ये हमारे ग्लास है, इन ग्लासों में भी इसमें ऑयल लगा लीजिएगा। ये देखिए मैंने सब में ऑयल लगा दिया है, और इसको इस प्लेट के ऊपर अच्छे से रख दिया है सेट करके। ये देखिए जिस तरह से गिरेगा नहीं, इस तरह से आपको सेट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए हमारा बैटर बन के तैयार था। और अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसे कप में डालेंगे। हमें ये कप आधा भरना है, क्योंकि ये फूलेगा तो इसलिए ऊपर तक आएगा, तो इसलिए फुल नहीं करें, आधा कप करें। ठीक है, देखिए मैं इसी तरह से सारे कप भर लूँगी। मैंने इसलिए आधे आधे भरे हैं, ये फूलेंगे तब ऊपर तक आएंगे, इसीलिए आधा भरें। और इसको हल्के से टैप कर लें सारे कपों को। ये देखिएगा मैंने सारे भर लिए हैं, और उसके बाद मैंने सबको टैप भी कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी चेरी डालेंगे, ये देखिए ये चेरी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है ये कपकेक। आप एक बार से ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे सारे में डाल दिया है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा बटर पेपर एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे ताकि ये कढ़ाई में हमारा जले नहीं, इस तरह से। उसके बाद हम कढ़ाई ले लिए, मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी, उसमें सॉल्ट डाल दिया है, ये गर्म हो चुका है। और उसके बाद हम इस पर ये प्लेट रख देंगे। प्लेट रखने के बाद 30 मिनट्स तक इसे ढक के रखेंगे, जिसके कि इसके स्टीम बाहर ना जाए। ठीक है, ये देखिए मैंने इसे ढक के रख दिया है एक थाली की हेल्प से,
देखिए, ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। इसी तरह से हमें इसे अच्छे से कवर कर लेना है। देखिए 30 मिनट्स हो चुके थे, अब देखिएगा मैंने इसे थाली हटा ली है टूथपिक से, देखिए बिल्कुल क्लीन आया है। और दूसरा हमने इसे डाला है, ये क्लीन नहीं हुआ है, इसका मतलब एक पक चुका है, बाकी अभी दूसरा जिस पर हमने दिखाया था वो कच्चा है। थोड़ी देर के लिए इसे और पका लेंगे हम। ये देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसे और पका लिया था और फिर इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए ये ठंडा हो चुके हैं। फिर इसके बाद हम क्रीम लगाएंगे, व्हिप क्रीम। मैंने आपको केक की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कैसे व्हिप क्रीम बनाएंगे हम और इस तरह से कौन सा कलर डालेंगे। ये देखिएगा मैंने ये येल्लो कलर बना लिया है इस तरह से। ये देखिए सब में मैं अलग अलग कलर लगाऊँगी। ये देखिए ये दूसरा भी तैयार कर रहे हैं। एक नोज़ल ले लिया हमने और पाइपिंग बैग के बदले हमने प्लास्टिक की एक पन्नी ले ली है, उसमें नोज़ल लगा लिया है इस तरह से। और इस तरह से इसको बना लेंगे हम। देखिए हमने वाइट भी बना लिया है। देखिए हम एक और बना रहे हैं। सारे कप के ऊपर हम इसी तरह से अपने व्हिप क्रीम लगा लेंगे। देखिए ये वाइट कलर की एक और लगा दी हमने, इसके ऊपर दूसरा शेड दे देंगे हम। ये देखिए, ये देखिए हमने इसके ऊपर ग्रीन सा शेप दे दिया है। ये देखिए डबल शेड। अब इस पर हम ग्रीन और वाइट थोड़ा सा है इसमें, देखिए इसी तरह से हम इस पर भी लगा लेंगे इस तरह। और ये देखिए मेरे सारे कप क्रीम से भर के तैयार हो चुके हैं। देखिए लग रहे ना देखने में बहुत अच्छे, अभी और अच्छे बनेंगे। अभी हम इसे और डेकोरेट करेंगे, ठीक है। देखिए इस पर हम डालेंगे थोड़े से चोको चिप्स। मैंने चोको चिप्स की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए थोड़े थोड़े हमने इसमें चोको चिप्स डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से मैंने जो वाइट कलर के थे उन्हीं में लगाए हैं। और बाकी में देखिए मैंने सिल्वर कलरफुल बॉल डाली है, शुगर बॉल। ये देखिए और मैंने एक में सिल्वर बॉल भी डाली है। देखिए कलरफुल बॉल डाल दी है मैंने, देखिए सिल्वर भी डाल दी है मैंने, थोड़ी सी सिल्वर बॉल। देखिए अब लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा एक बार और बच्चों को खिलाइएगा, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है, पर ज़रूर बनाइएगा आप, ठीक है फ्रेंड्स। ये लीजिए बन गए हैं यहाँ सारे कपकेक, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।